100 की सीरीज का आपके पास ये 36th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए मैक्सिमम ने वहाँ से लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट एट इज 10 वर्स रूट 2। कोन का स्लैंट एट को गिवन है, यदि उस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है तो आपको ये प्रूव करना है कि उसका सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो 10 वर्स रूट 2 होगा। हम यहाँ पर फंक्शन किसके लिए बनाएंगे, क्या चीज़ मैक्सिमम चाहिए हमें, मैक्सिमम वॉल्यूम। ध्यान रखें हम यहाँ पर वॉल्यूम के लिए फंक्शन बनाएंगे, जो चीज़ हमें मैक्सिमम चाहिए, जो चीज़ हमें मिनिमम चाहिए, फंक्शन हमेशा उसी के लिए बनाएंगे। आपके पास एक कोन है जिसकी स्लैंट हाइट आपको गिवन है, ये कोन है आपका, इसकी हाइट को h रिप्रेजेंट करें, रेडियस को r मान के चलें, तो आपकी ये स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट को हम l मान लें, ये हमें गिवन है, इसको नाम दे दें हम a b c एंड d। आपको गिवन है, आप लिख लें जो चीज़ पहले से गिवन है, गिवन स्लैंट हाइट स्लैंट हाइट आपकी कितना रखा है आपको L, मान लिया है हमने कि L वो फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है। हमें ये प्रूव करना है कि ये सेमी वर्टिकल एंगल, यदि अल्फा मान लिया जाए, सेमी वर्टिकल एंगल क्या मान लिया जाए, अल्फा मान लिया जाए, सेमी वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल को आप क्या मान लें, अल्फा मान लें, इससे आप ए डी को एच मान रहे हैं, आप ध्यान रखें ए डी आपने क्या मान लिया है, एच मान लिया है, और डी सी को आपने आर मान लिया है। इस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तब आपको प्रूव करना है कि आपके पास जो अल्फा है वो 10 वर्स रूट 2 आएगा। हम यहाँ से कुछ रिलेशन बनाने की कोशिश करें, हमें एल गिवन है, हम एच और आर की वैल्यू इस एल के टर्म में निकालने की कोशिश करें। देखिए इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी सी, इस ट्राइंगल में हम एच अपॉन सॉरी आर अपॉन एल क्या कह सकते हैं, आर अपॉन एल, ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या बनेगा, साइन अल्फा बनेगा। हम यहाँ से लिख सकते हैं कि आर जो है वो एल साइन अल्फा होगा। ध्यान रखें यहाँ पर अल्फा वेरिएबल है और एल कॉन्स्टेंट वैल्यू है। इसी ट्राइंगल में हम ये भी देख सकते हैं कि h अपॉन l क्या होगा, h अपॉन l ये बेस होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हम इसे लिख सकते हैं cos अल्फा, और यहाँ से हम लिख सकते हैं h इक्वल टू l cos अल्फा, ये लिख सकते हैं। हमने r और h की वैल्यू l और अल्फा के टर्म में कन्वर्ट कर लिए, अब हम इसका वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम को बी से रिप्रेजेंट कर लें, बी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर आपके पास क्या है, ये है, हम इसे लिखेंगे एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और एच हमारे पास है एल कॉस ऑफ अल्फा। ये हमारा वी का फंक्शन बन गया, 1/3 पाई एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा एल कॉस अल्फा। इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह लिख लीजिए आप, बी इक्वल टू आएगा 1/3 पाई एल क्यू साइन स्क्वायर अल्फा, और ये आपके पास क्या आया, कॉस अल्फा। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये क्रिएट होगा कि अल्फा की वैल्यू क्या पुट करें कि वी मैक्सिमम आ जाए। ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया, फंक्शन हमारा बन चुका है, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, टर्निंग पॉइंट निकालेंगे और टेस्टिंग करेंगे, ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे, आप थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए। हमारा फंक्शन बन गया था v इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यू साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, ये फंक्शन बन गया था। अब हमें ये प्रूव करना है कि अल्फा की किस वैल्यू के लिए हमारा v मैक्सिमम आएगा,
इसके लिए हम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, टर्निंग पॉइंट निकालेंगे, टेस्टिंग करेंगे। आप इसे डिफ्रेंशिएट करिए, ध्यान रखिए यहाँ पर अल्फा वेरिएबल है, डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, ये आपके पास क्या आएगा, डी वी ओवर डी अल्फा इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, 1/3 पाई एल क्यू आप बाहर कर दें और इन दोनों आप प्रोडक्ट लगा दें, ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन अल्फा प्लस, ये क्या आएगा आपका, कॉस अल्फा इनटू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा 2 साइन अल्फा, फिर अल्फा को करेंगे तो कितना आएगा, कॉस अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा का डिफ्रेंशिएशन 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा आएगा। इसे थोड़ा सॉल्व कर लें तो आप लिख सकते हो डी वी ओवर डी अल्फा इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यू, आप यहाँ से साइन अल्फा कॉमन ले सकते हो, अच्छा रहेगा साइन अल्फा कॉमन लेना, तो आपके पास क्या रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, ये नंबर आएगा। ये हमने डी वी ओवर डी अल्फा फाइंड आउट कर लिया है। अब इसका टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए डी वी ओवर डी अल्फा को हम 0 बराबर रखेंगे, लिख रहे हैं यहाँ पर फॉर टर्निंग पॉइंट डी वी ओवर डी अल्फा को हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, हम लिखेंगे 1/3 पाई एल क्यू साइन अल्फा और ये कितना आएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा, ये सब 0 में चला जाएगा, साइन अल्फा बराबर 0 होगा तो अल्फा बराबर 0 होगा, जब यहाँ पर अल्फा 0 होगा तो यहाँ पर कौन क्रिएट नहीं हो पाएगा, इसका मीनिंग केवल क्या रहेगा, ये चीज़ 0 के बराबर रखनी होगी हमें, हम लिखेंगे यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। आप इस नंबर को इधर ले जाइए, आप इसे लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, इस नंबर को आप इधर ले गए, इसको इसे डिवाइड कर दीजिए तो यह आएगा 2 इक्वल टू कॉस से डिवाइड करते हैं कॉस स्क्वायर से तो ये आपके पास आएगा टेन स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 है तो आप लिखेंगे टेन अल्फा इक्वल टू रूट 2, इतना लिखेंगे और अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, अल्फा इक्वल टू आएगा टेन इनवर्स रूट 2, आपके पास जो अल्फा की वैल्यू निकल के आ रही है वो टेन इनवर्स रूट 2 निकल के आ रही है, यही हमें प्रूव करना था कि हमारा जो अल्फा है वो टेन इनवर्स रूट 2 होगा, लेकिन हम यहाँ पर वेरीफाई करना होगा कि अल्फा के लिए अल्फा की इस वैल्यू के लिए हमारे पास वॉल्यूम जो है मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा, हमें ये प्रूव करना है कि अल्फा की इस वैल्यू के लिए वॉल्यूम मैक्सिमम आएगा। इसके लिए हम इस फंक्शन को डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन में हम अल्फा की वैल्यू टेन वर्स रूट 2 पुट करेंगे, हमारे पास टेन अल्फा रूट 2 है, यहाँ से हम और भी वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे तो यहाँ से कॉस अल्फा साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन में हम अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे कि उसका साइन नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है, हर हालत में क्या आना चाहिए, वो नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि इसका वॉल्यूम हमें मैक्सिमम प्रूव करना था, मैक्सिमम वॉल्यूम पर अल्फा जो है वो टेन बस रूट 2 आएगा, ये बात हमें प्रूव करनी थी। अब हम इसे डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, थोड़ा सा आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब हमें ये प्रूव करना है कि इस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम आएगा जब हमारे पास अल्फा इक्वल टू टेन वर्स रूट 2 है। इसके लिए वॉल्यूम के फंक्शन को हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमने एक बार डिफ्रेंशिएट करके फाइंड आउट कर लिया है डी वी ओवर डी अल्फा 1/3 हमारे पास ये नंबर है, इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोबारा डिफ्रेंशिएशन में हम अल्फा की वैल्यू टेन वर्स रूट 2 पुट करेंगे और सॉल्व करने पर वो नंबर नेगेटिव आना चाहिए। इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करिए, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करने के लिए बेटर रहेगा आप इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लें अंदर, आप इसे लिख लें डी वी ओवर डी अल्फा इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यू, ये आपके पास आएगा माइनस साइन क्यू अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये नंबर आ गया। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, तब आप इसे लिखेंगे डी स्क्वायर बी ओवर डी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू
वन अपॉन थ्री पाई एल क्यू एज इट रहेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, साइन क्यू अल्फा को अल्फा के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस तो बाहर रहेगा, साइन क्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे आएगा थ्री साइन स्क्वायर अल्फा, ये आएगा, फिर साइन अल्फा को करेंगे तो क्या आएगा, कॉस अल्फा आएगा, प्लस इन दोनों में आप प्रोडक्ट लगा लें, टू कॉस अल्फा एज इट, सॉरी टू साइन अल्फा एज इट, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा टू कॉस अल्फा, ये आएगा, फिर कॉस अल्फा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा आएगा, ये नंबर आएगा, प्लस आपने क्या किया, ये नंबर एजिट रखा था, इसको डिफ्रेंशिएट किया था, आपके पास ये नंबर आएगा, अब ये नंबर आप एजिट रखें, कॉस स्क्वायर अल्फा एजिट और टू साइन अल्फा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, टू कॉस अल्फा आएगा, ये आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया, थोड़ा सा इजी कर सॉल्व कर लीजिए इसे, आपके पास डी स्क्वायर वी ओवर डी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन थ्री पाई एल क्यू, ये नंबर है, इसे सॉल्व करिए, ये क्या है आपके पास, माइनस थ्री साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, और ये आपके पास माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, ये टू टू या फोर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, ये साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, और ये आपके पास रहेगा टू कॉस क्यू अल्फा, टू कॉस क्यू अल्फा रहेगा, इसे और थोड़ा सॉल्व करिए तो आपके पास डी स्क्वायर वी ओवर डी अल्फा स्क्वायर वन अपॉन थ्री पाई एल क्यू, ये सेवन हो जाएगा, माइनस सेवन साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, ये नंबर रहेगा, प्लस ये आपके पास कॉस क्यू अल्फा है, आपका डबल डिफरेंशिएशन आ चुका है, अब इस डबल डिफरेंशिएशन में हम अल्फा की वैल्यू टेन वर्स रूट टू पुट करेंगे, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू टेन वर्स रूट पुट करेंगे तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बेटर तरीका ये है कि आप टेन अल्फा इक्वल टू आपके पास रूट टू है, आप यहाँ से साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू निकालें, तब यहाँ पर साइन अल्फा और कॉस अल्फा पुट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, थोड़ा सा आप इसे कॉपी कर लीजिए, आप टेन अल्फा इक्वल टू रूट टू से साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लें, बहुत सिंपल तरीके से निकाल लें, आपके पास टेन अल्फा इक्वल टू कितना दे रखा है, टेन अल्फा इक्वल टू आपके पास रूट टू है, आप इसे रूट टू अपॉन वन लिख लें, और आप यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल बना लें, ये आपके पास अल्फा रहेगा, ये रूट टू रहेगा, ये वन रहेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, टू प्लस वन थ्री, ये नंबर रूट थ्री आएगा, आप यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, साइन अल्फा कितना आएगा, रूट टू ओवर रूट थ्री आएगा, और कॉस अल्फा की वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री आएगी, आप डायरेक्ट ऐसा निकाल लें, चाहे तो आप यहाँ फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो, साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू, इस साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू को आप यहाँ पुट करिए और देखिए कैसा रिजल्ट आएगा, आपके पास क्या है, डी स्क्वायर वी अपॉन डी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन थ्री पाई एल क्यू, ये नंबर है, माइनस सेवन साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, रूट टू और रूट थ्री, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये टू अपॉन थ्री आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा आपके पास वन अपॉन रूट थ्री है, प्लस कॉस क्यू अल्फा, कॉस अल्फा कितना है, वन अपॉन रूट थ्री है, इसका होल क्यू करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये वन अपॉन थ्री रूट थ्री आ जाएगा, इसका होल क्यू करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे वन टाइम तो आपके पास कितना आ जाएगा, थ्री रूट थ्री आ जाएगा, इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू नेगेटिव आ रही, साफ साफ दिख रही है आपके पास कि वन अपॉन रूट थ्री पाई एल क्यू, आप चाहे रूट थ्री, थ्री रूट थ्री एलसीएम ले लें तो आपके पास माइनस फोर्टीन आएगा और ये प्लस वन आएगा, सॉल्व करने पर आपको वैल्यू कैसे आ रही है, नेगेटिव आ रही है, जब डबल डिफरेंशिएशन का साइन नेगेटिव आ रहा है टर्निंग पॉइंट पर तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम इस पॉइंट पर अल्फा पर, अल्फा इक्वल टू टेन बस रूट टू पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यही बात हमें प्रूव करनी थी, मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आप इसे कॉपी कर लीजिए।